हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अलीशा गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने गार्डन का एक खूबसूरत प्लांट दिखा रही हूँ। ये है चंपा का प्लांट। चंपा के प्लांट को प्लूमेरिया भी कहते हैं। और ये फ्रेंड देखिए, ये कितना बुशी प्लांट है और ये कितना हेल्दी है। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है, यानी कि ये जो प्लांट है ये पूरी दुनिया में आपको इसकी वैरायटी मिल जाएंगी। और ये जो प्लांट है इसको, इसमें जो फ्लावर है बहुत कलर के मिल जाते हैं, येलो, क्रीम, वाइट और भी कलर के, पिंक और भी कलर के मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरा प्लांट। और ये जो प्लांट है इसको लोग इसको अपने घरों में लगाना बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है इसके फ्लावर भी लोग बाग पूजा में काम लेते हैं, पूजा के काम आते हैं। और इसको ज़्यादातर लोग बाग टेंपल प्लांट भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको टेंपल प्लांट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरा प्लांट और इसकी मैं आपको केयर बताऊंगी। और इसको कटिंग से भी लगाया जाता है, वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। मैंने इसकी कटिंग 2 दिन पहले ही काट ली थी, उसका वीडियो इसी में आपको दिख जाएगा, क्लिप जो है। और वो कटिंग काट के मैंने 2 दिन के लिए रोक दी थी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली और ज़्यादा दूसरे प्लांट होते हैं उनकी कटिंग आपको हैंड टू हैंड काट के लगानी पड़ती है, लेकिन इसकी कटिंग जो होती है वो आपको 2-1 दिन रुक के लगानी पड़ती है। क्योंकि जब हम इसको काटते हैं तो उस कटिंग में से देखिए, उस ये मैंने कटिंग काटी थी और उसके बाद मैंने इसके अंदर फंगीसाइड लगा दिया था ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया ना लगे और ये डाल ख़राब ना हो। और उसको भी मैंने ऐसे ही रख रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वैसे फ्रेंड्स, इसकी जो हाइट होती है नॉर्मल तौर पे ये 5 से 7 फीट का हो जाता है, और ये आपको गार्डन में भी बहुत मिलेगा देखने को। लेकिन अब इसकी दूसरी ये हाइब्रिड वैरायटी आ गई है, जो आप जिसको आप गमले में भी लगा सकते हैं और जिसकी हाइट लमसम 2 से 3 फीट की होती है। तो मैं उसको आपको लगा के दिखाऊंगी। चलिए, आज मैं आपको इसकी इतने टाइम कटिंग दिखाती हूँ, लेकिन कटिंग दिखाने से पहले मैं आपको इसकी, इस प्लांट की थोड़ी सी केयर बताती हूँ और इसमें जो सॉइल, जिस सॉइल में मैंने लगाया है वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने कल पानी दिया था और देखिए इसके पत्ते कितने हरे भरे हैं, ना तो ये मुरझाए हैं, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ें जो है वो गल जाएंगी। और इसमें भी देखिए आप कितनी सूखी मिट्टी हो गई है। अब अगर मैं आज चाहूँ तो दूंगी, अगर ना दूँ तो भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम तो और भी अच्छा होना चाहिए, इसमें पानी रुकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ इसमें पानी रुका है वहीं इसकी जड़ें गलने लग जाएंगी। ये देखिए मैं क्या, जहाँ से भी हाथ मार रही हूँ वहाँ बिल्कुल सूखी बहुत बुरी मिट्टी ऐसे दिखेगी आपको। वजह यही है कि मैंने इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखा हुआ है। देखिए अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ज़्यादा ना नमी देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादातर प्लांटों में नमी चाहिए होती है, मैंने इसमें नमी नहीं दी है, सिर्फ ज़्यादातर 80% आप इसमें मिट्टी रखिए, जो गार्डन सॉइल है वो रखिए, और थोड़ी सी कंपोज, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में पाया जाता है तो हर तरीके के क्लाइमेट्स में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और इसीलिए ये सब जगह पॉपुलर है। देखिए मैंने इसमें ये वर्मी कंपोज है ये लगाया डाला है, थोड़ा सा ये है नीम खली, आप इसको डालें, और ये है बोन मील, क्योंकि इसमें फूल वाइट कर निकलते हैं और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसमें फूल बहुत आता है, आप उसको डालें और बस इसका मिक्स करके आप अपने पौधे में दीजिए। और थोड़ी सी अगर बालू या रेत, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन में काम आती है, वो भी इसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन बस एक ही बात का ख्याल रखिए कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो ये थी इसकी केयर टिप्स। और इसमें आप साफ फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए। देखिए मैंने इसमें स्प्रे किया था, जिसकी वजह से आपको इसमें ये ब्लू ब्लू डॉट दिख रहे हैं, ये स्प्रे करने से इसमें जो भी कोई दिक्कत होगी वो नहीं होती, ज़्यादातर इसमें कोई परेशानी आती ही नहीं है, ये बहुत ही बेस्ट प्लांट है। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो हो गई इसकी केयर, अब मैं इसमें इसको कटिंग से लगाती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आइए चलें।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये है वो कटिंग जो मैंने काट ली थी दो दिन पहले, जो कटी हुई है ये देखिए, इसमें ये श्रिंक हो गई है क्योंकि इसमें से लिक्विड निकलता है वाइट कलर का, जो इसको प्रोटेक्ट करता है। अब मैं इसमें को लगाती हूँ। देखिए मैं इसको पहले, ये मैंने थोड़ा पानी ले लिया है और इसको हल्का सा पानी में भिगोने के बाद वो थोड़ा सा फंगीसाइड लगा देते हैं, जिससे इसमें कोई भी फंगस ना लगे। ये है साफ फंगीसाइड। और आप इसके थोड़े जो पत्ते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, इसको मैं निकाल दूँ। देखिए इसमें ये वाइट वाइट निकल रहा है लिक्विड सा। इसको आपको बचाना होगा अपने आप को, कि कहीं आँखों को में लग जाए तो उससे वो दिक्कत कर सकता है स्किन पे। देखिए इसके सारे पत्ते नहीं तोड़ने हैं। बाकी के पत्ते इसके अपने आप ही झड़ जाएंगे सूख के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बालू या मोरंग जिसको बोलते हैं कहीं पे। इसमें सिर्फ यही लेना है और कुछ नहीं लेना है। और इसको मैंने भिगो दिया है और मैं इसको इसके अंदर ऐसे आराम से लगा दूंगी। देखिए, और क्योंकि ये भारी होता है ऐसे करके दबा दूंगी। देखिए फिर ये बस, और कुछ नहीं करना है। अभी इसके पत्ते कुछ ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि लोडेड पत्ते थोड़े भारी होते हैं। ये और बस इतना सिंपल है चंपा की कटिंग को लगाना और चंपा के प्लांट की केयर करना। आप लोग भी इसको आराम से कर सकते हैं। इतना इसमें इतने खूबसूरत भर भर के फूल आते हैं प्लांट में, ये बहुत ही ज़्यादा, और सब लोग उसको पसंद करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इसको लगा लिया है। इसके पत्तों को मैं साइड कर देती हूँ और अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के दिखाऊंगी। अभी रुकिए, मैं आपको इसको पानी डाल के दिखाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं ऐसे पानी दे दूँगी और बस इसमें ये पानी आराम से निकल जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि इसका पानी कितने आराम से निकल गया है। देखिए अब मैं इसको लगभग 20 से 25 दिन तक शेडेड एरिया में रखूँगी। कमरे में मतलब कोई अंधेरे कमरे में ना रखिए, कोई पेड़ हो उसकी छांव में, या जहाँ पे कोई टीन शेड हो, या कहीं पे हल्की आध दो एक हल्की फुल्की धूप छन के आती हो उस तरफ रखिएगा, ताकि हल्की फुल्की धूप इसको मिले, क्योंकि इसको बिल्कुल अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए फिर से देखिए, मैंने इसमें ये पानी डाल दिया और इसका पानी एकदम निकल गया। अब जितना पानी रेत एब्जॉर्ब करेगी उतना ही इसको पानी चाहिए होगा। और मुझे इसमें सिर्फ सुबह और शाम पानी डालना है और कुछ नहीं करना है। और जब ये अपनी ये जो प्लांट है जब ग्रो करेगा तो मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दिखाऊँगी। तब तक के लिए आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।